What is up guys? बड़ी बड़ी अनबॉक्सिंग चैनल पर लेकर के आ चुके हैं हम, और ये अब तक की सबसे बड़ी और सबसे महंगी अनबॉक्सिंग है हमारे चैनल पे। टाइटल देख करके आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम करने वाले हैं डेल के G3 लैपटॉप की अनबॉक्सिंग, जो कि डेल का एक गेमिंग लैपटॉप है, और आज इसकी पूरी अनबॉक्सिंग करेंगे। सारी डिटेल मैं आपको इसकी दूंगा, और ये हमने अमेजोन की ग्रेट इंडियन सेल से खरीदा है, तो काफ़ी ज़्यादा सस्ते रेट पर हमें मिल गया। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखना, मैं इसकी सारी डिटेल आपको दूंगा, और अगर आप एक खरीदने की सोच रहे हैं तो ये वाली वीडियो आपके लिए वर्थ इट होने वाली है। तो यार वीडियो को पूरा एंड तक देखना, चलिए इसकी वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। मैं हूं आपका दोस्त युष, आप देख रहे हो अनबॉक्स इट। तो गाइज हमारे हथियार तैयार हैं इसकी अनबॉक्सिंग के लिए। तो गाइज ये पूरा इस तरह का इतना बड़ा बॉक्स डेल की तरफ से हमें मिला है, इसका तो हमें कोई यूज है नहीं, तो फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं इसे। तो बॉक्स खोलने के बाद यार यहाँ पर हमें हमारा लैपटॉप मिलता है। अब इतना बड़ा बॉक्स है, ये पूरा कैमरे पे कवर भी नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरा इसे कवर करें। तो ये कुछ इस तरह की रैप के अंदर हमारा लैपटॉप आया, और अंदर देख लेते हैं इसके अंदर हमें क्या मिलता है, इसे साइड में रखते हैं। तो यहाँ पर हमें दूसरी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि इसका अडेप्टर यानी कि चार्ज करने के लिए 130 वॉट के आउटपुट के साथ, और ये है इसका प्लग जिसपे ये अटैच होगा और हमारे लैपटॉप को चार्ज कर देगा। और बाकी इसके अंदर किताबी बातें हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं पढ़ने को। तो प्योर मैट फिनिश है, और यहाँ पर हमें मिल जाता है G3 का लोगो, यहाँ पर भी बड़ा बड़ा G3 लिखा हुआ है पीछे बैक साइड में, ब्लू कलर की एकदम एस्थेटिक लुक आ रही है इससे, और मुझे काफ़ी ज़्यादा यार स्पोर्ट्स कार जैसा डिज़ाइन लगता है इस लैपटॉप का। जब मैंने इसे पहली बार देखा था तो मुझे वही फीलिंग आई थी। तो यहाँ पर ओपन करने के बाद हमारी बैकलिट स्टार्ट हो गई है, फिंगरप्रिंट स्कैनर, तो जो कि विंडोज़ के हेलो के सपोर्ट के साथ आता है, और यहाँ पर आप पढ़ सकते हो कि i5 10th जनरेशन वाला वेरियंट है ये। तो गाइस पोर्ट्स की बात कर लेते हैं, यहाँ हमें मिलता है हमारा चार्जिंग पोर्ट, जहाँ पर हमारा ये चार्जर प्लग इन हो जाएगा 130 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग के साथ। यहाँ पर मिला है एक HDMI का पोर्ट, जिससे आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो और भी काफ़ी ज़्यादा काम कर सकते हो। यहाँ पर मिलता है USB पोर्ट, और ये है एक LAN वायर का पोर्ट, और ये है एक C-टाइप पोर्ट। तो C-टाइप पोर्ट यार इसके अंदर हमें मिलता है क्योंकि ये 1650 Ti ग्राफिक कार्ड वाला वेरियंट है, जो दूसरे वेरियंट है उनके अंदर हमें C-टाइप का पोर्ट नहीं मिलता। तो राइट साइड में हमें यहाँ पर microSD कार्ड का स्लॉट मिलता है, यहाँ पर हमारा हेडफोन जैक है 3.5 mm, जो कि काफ़ी अच्छी बात है और लैपटॉप पे तो होना ही चाहिए, और ये हमारे दो USB पोर्ट USB-A वाले। तो गाइज एक बहुत ही खतरनाक वाला फीचर हमें इस लैपटॉप पे मिल जाता है, क्योंकि एलियन वेयर डिज़ाइन करता है इस लैपटॉप को, तो इसलिए इसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लगता है मुझे। और उसके साथ साथ आपको एक G बटन मिलता है इस लैपटॉप के अंदर, जो कि एलियन वेयर कमांड सेंटर को ऑन कर देता है, और उससे इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि इस प्रोसेसर की हाइएस्ट बूस्ट क्लॉक स्पीड है 4.5 GHz, तो वहाँ तक आपको ले जाएगा और बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस आपका लैपटॉप बन जाएगा, और फैन स्पीड भी बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी। तो सुनकर देखो जरा कैसी फैन स्पीड आपको इसकी मिलेगी। और गाइज इसकी डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा कमाल है, FHD+ रिजोल्यूशन के साथ 120Hz का रिफ्रेश रेट मुझे यहाँ पर मिल जाता है इस डिस्प्ले में। तो अगर आप गेमिंग करते हो तो यार कम से कम 120Hz रिफ्रेश रेट तो होना ही चाहिए आज के टाइम पे, अगर गेमिंग का एक काफ़ी ज़्यादा इमर्सिव एक्सपीरियंस आप चाहते हो। तो मैं प्रेफर करूँगा 120Hz की डिस्प्ले, तो इसमें हमें वो मिल जाती है, और काफ़ी ज़्यादा डिस्प्ले इसकी अच्छी लगी मुझे। तो गाइज अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो हमें यहाँ पर i5 10th जनरेशन का प्रोसेसर मिल जाता है, 10300H वाला मॉडल जो प्रोसेसर का है वो वाला, और इसकी जो टर्बो बूस्ट स्पीड है वो है अप टू 4.5 GHz। तो सारी चीज़ें काफ़ी स्मूथली कर देता है प्रोसेसर, आपके सारे काम अच्छी हाई परफॉर्मेंस स्पीड के साथ निकाल देगा। और गाइज इसमें हमें मिला है 4GB का NVIDIA का GTX 1650 Ti वाला मॉडल, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, और 1650 सीरीज इस साल काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव भी कर दी थी NVIDIA ने, क्योंकि इनकी बैंडविड्थ इंक्रीज हो गई, तो परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई, और DDR6 वाला ग्राफिक कार्ड ये हमें इस लैपटॉप में अवेलेबल हो जाता है। तो गेमिंग में भी आपको कोई कमी नहीं मिलने वाली, बिल्कुल हाई परफॉर्मेंस गेमिंग आपकी हो जाएगी, लेकिन हाँ बिल्कुल हाई एंड गेमिंग भी नहीं हो पाएगी, लेकिन हाँ आपकी एक डिसेंट गेमिंग आपकी बहुत आराम से इस वाले लैपटॉप में हो जाएगी।
और गाइज इसमें हमें दो फैन मिलते हैं, डुअल फैन का सपोर्ट है, डुअल कूलिंग सिस्टम का, तो काफी ज्यादा अच्छे हैं वो फैंस भी, इसको आराम से हीट इसकी निकाल देते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ी हीटिंग इशू हो जाती है। लेकिन अगर आप एक टेबल पे रख के यूज करते हो तो मेरे हिसाब से आपको कोई हीटिंग इशू नहीं मिलेगा इस वाले में, मुझे तो अभी तक नहीं मिला, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी होता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां मैं बहुत ज्यादा एक्टिव रहता हूँ और आपसे सुझाव भी लेता रहता हूँ नई नई वीडियोज के, तो वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हो और लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का। और गाइस स्पीकर इसके मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगे, लेफ्ट और राइट साइड में दो स्पीकर आपको मिल जाते हैं, स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट है, वेव मैक्स ऑडियो की तरफ से स्पीकर्स आते हैं, और बाकी आप आवाज सुन के खुद ही जज कर लो। सो गाइस ये मेरे एक दोस्त का रैप सॉन्ग है, हिप हॉप बनाता है वो, तो उसका सॉन्ग मैं यहाँ पर आपको चला देता हूँ, साउंड टेस्टिंग इससे एकदम बढ़िया हो जाएगी, बीट्स वीट्स आप ध्यान सुन लेना। Hip hop is democratic. ऐसा नहीं केरोसीन है संभाला भाई, ऐसा नहीं केरोसीन है संभाला भाई, ऐसा नहीं केरोसीन है संभाला, बस पांच साल लुक पूरा सीन है संभाला भाई, काली काली और कला है ये पास और, काली काली और कला है दिखास और। और गाइस इसमें हमें ब्लू कलर की बैकलिट कीबोर्ड मिलता है, आरजीबी लाइटिंग का सपोर्ट नहीं है इसमें, ब्लू कलर का ही आपको लाइट मिलेगा। तो यार अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाल कलर का बटन है उसे जाकर के दबा दो बेल आइकन के साथ, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस के अपडेट सबसे पहले देखने को मिलते रहे। तो गाइस अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की, यार 70,000 रुपए में हमें इतना बढ़िया लैपटॉप कैसे मिल गया जिसका प्राइस था 76,000 रुपीज सेल के अंदर। तो यार सेल के अंदर हमने क्या किया, थोड़ा सा दिमाग लगाया और इसमें 3,000 का डिस्काउंट प्राइम मेंबर्स के लिए एक ऑफर आया हुआ था वो मैंने कलेक्ट कर लिया, और उसके बाद मुझे HDFC क्रेडिट कार्ड से भी 3,000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल गया, तो टोटल 6,000 रुपए मैंने बचा लिया और मुझे 70,000 का ये लैपटॉप मिल गया। वैसे मैंने GST के लिए भी अप्लाई किया, तो देखते हैं उसका क्या प्रॉफिट मुझे मिलता, मतलब 18% उस पर कुछ मिलता है या नहीं, तो वो आप भी कर सकते हो, अगर आपके पास GST का कुछ सोर्स है तो आप भी अपनी GST बचा सकते हो। तो अगर आप इन ऑफर्स के साथ अभी भी इस लैपटॉप को खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक डाल दूंगा, वहां पे जाके आपको सारे ऑफर्स मिल जाएंगे और ये लैपटॉप आप वहां से जाके खरीद सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। तो अगर ये वीडियो यार अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बेल नोटिफिकेशन के साथ, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने के लिए आपके लिए, और ऐसा ही अच्छा कंटेंट हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे इस चैनल पे। तो मिलते हैं आपसे एक और फ्रेश कमाल वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय। ऐसा नहीं कह रहे सीन है संभाला, बस पांच साल लुक पूरा सीन है संभाला भाई, काली काली और कला है ये पास और, काली काली और कला है बिना।